अनुरोध करता हूँ आप सब खिलाड़ियों को लाइन अप करेंगे।
ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। आज 3 दिसंबर मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजित एक मैच हॉकी मैच रखा गया। बड़े भाई सिद्धार्थ रावत जी जो खेल के क्षेत्र में विभिन्न खिलाड़ियों को घरों से निकाल करके कहीं ना कहीं प्रतिभा करने का अवसर हर खेल में प्रदान करते हैं, फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, वॉलीबॉल में हो, एथलेट में हो, सारे ही गेमों में खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी समस्या पड़े, कुछ भी हो, हर विपरीत स्थिति में हर एक खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े रहते हैं। आप विद्यार्थी परिषद कोरदा इकाई की ओर से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे आप युवाओं को आगे करते रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद को अवगत कराना चाहता हूँ, शहीद मुकेश विश्व स्पोर्ट्स एकेडमी की सुप्रीम भेंट हमारे खिलाड़ियों को प्रदान की गई है। इसमें एक एक टी शर्ट शहीद मुकेश विश्व सामाजिक संस्था एवं स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से सभी खिलाड़ियों को एक एक टी शर्ट या सुप्रीम भेंट शहीद मुकेश विश्व स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में मैं हमारे आज के अतिथि श्रीमान गिरिराज रावत जी गुरु जी से अनुरोध करता हूं, आप दो शब्द हमारे होनहार खिलाड़ियों के बीच में रखेंगे। धन्यवाद। तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे आज के इस मैच में खेल रहे थे, बधाई के पात्र जो विद्यार्थी परिषद जो काम कर रहा है आप सबके लिए वो भी बधाई के पात्र है कि भाई एक आप प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप में से बच्चे जो है वो स्वाभाविक है कि जब आपको अवसर मिलेंगे ऐसे खेलने का अवसर मिलेंगे आप और अच्छा खेलेंगे और आपको जो है ये स्वाभाविक है कि कल आज आप यहाँ पे एक अपने लोकल लेवल पे खेल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, कल जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और खेल प्रतिभाएं ऐसे ही निकलती हैं, हुनर उनके अंदर होता है लेकिन यह है कि उनको मौका नहीं मिल पाता। और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ एक मानसिकता बनी हुई है कि बालिकाओं के लिए तो खेल बने ही नहीं है। लेकिन यह है कि आपने ये उस चीज़ को तोड़ दिया है, उस मिथक को। केवल एक मैं सोचता हूँ कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं आप देखिए कि भाई मैं हुसैन बोल्ट के बारे में एक दिन पढ़ रहा था सोचिए कि कहाँ कैसे समाज से वो निकला, कहाँ आदिवासी टाइप के लोग जो हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम इसको जानते हैं कि भाई वो जो है स्प्रिंटर था, जो है कि 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया दौड़ने के लिए 9.71 सेकंड का जो उसने टाइम निकाला। कितने की करता है वो 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, रन फॉर 4 आवर्स 4 घंटे। अब आप देखिए कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको सफल बनना है, आगे जीवन में आगे निकलना है, तो आप ये सोचिए कि 10 सेकंड के लिए अगर 4 घंटे वो करेगा तो आपको कितनी देर का आपका गेम है, कितनी देर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितने लगन के साथ आपको लगना पड़ेगा। और क्या था 28 अगस्त को ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, आज जो है उनका ये आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए अभी आपने देख रहे थे वो टेप सा चल रहा था, उसमें जो है कि उसमें कई सारी चीज़ें बताई थी कि वो एक अद्भुत खिलाड़ी जो है, जादूगर इसलिए कहा गया उसको जो है। ध्यानचंद जी के बारे में बताया जाता है कि जब एक बार उनकी स्टिक बदली गई और खाली जब तक स्टिक नहीं मिली उनका एक ऐसे डंडा टाइप का वैसे दे दिया, तब भी उन्होंने उसमें गेंद निकाली।
मैं कहता हूँ कि ये आपकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है, आपके सोच पे डिपेंड करता है, कि स्किल पे डिपेंड करता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना शार्प है वो उस पे डिपेंड करता है कि आप अपने डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं। उनकी ड्राइविंग स्किल जो वो था ड्रिबलिंग जो है वो बहुत गजब की थी, वो बिल्कुल ऐसे एंगल से निकाल लेते थे बॉल को जो है। तो हमें आज उनको हम याद कर रहे हैं इसीलिए कि हमारे बच्चों को कम से कम जो है जो बेसिकली इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम उन प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को तैयार करें कि भाई किसी आदमी ने ऐसा भी किया था, उसको जादूगर भी टाइटल मिला, आपको भी मिल सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और अच्छा और अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं विद्यार्थी परिषद को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्यों में जो है वो लगे हुए हैं जहाँ बच्चों को डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों के करियर के बारे में, सिर्फ एक पढ़ाई पढ़ाई नहीं। आज पहले हमारे जमाने का कहा जाता था, पहले जो है हमको धमकाया जाता था कि पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओ खराब जाओ, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज ये है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जो है, और खेल स्पेशली एक मानसिकता को भी बनाता है कि आपके भी अंदर जो है एक सकारात्मक मानसिकता है वो डेवलप होती है। आपके पेरेंट्स भी आज आपको अलाउ कर रहे हैं, तो हमारा समाज में परिवर्तन और इसी ढंग से और अच्छा परिवर्तन होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सबको कि आप और अच्छी ऊंचाइयों को छुएं और भारत का अपने देश का अपने प्रदेश का अपने लोकल ये सभी का जो है आप नाम रोशन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य हम सबके गिरिराज सिंह रावत जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर व्यवस्था प्रमुख श्रीमान प्रशांत कुदरती जी, हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोरबार महाविद्यालय का कई वर्षों तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया ऐसे अपने छोटे भाई नितिन बिस्त जी, कोरबार नगर के संगठन मंत्री श्रीमान मृदुल भट्टी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्रीमान सिद्धार्थ रावत जी, जो लगातार इस तरह के खेल आयोजनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्पोर्ट्स अकेडमी का भी सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक श्रीमान अजय जी, तहसील संयोजक नमस्ते कंडारी जी, अजय जी, सागर कंडवाल जी, नगर मंत्री नितिन दिवाकर जी, और जिन्होंने रेफरी की बड़ी उमदा भूमिका निभाई हमारे छोटे भाई तेजू भाई जी, हम सब आज यहाँ पर मेजर ज्ञानचंद जी की पुण्यस्मृति के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और मुझे लगता है कि आज बेटियों ने बहनों ने हॉकी का खेल खेलकर सच्चे मायने में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आदरणीय गुरुजी ने अपने संबोधन में कहा कि अब ऐसी कोई समस्या परेशानियां नहीं है जब खेल प्रतिभाओं को मंच मिलने में कोई दिक्कत हो, या आप सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप खेल के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है, और हम सब जानते हैं कि हॉकी भारत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, और आपको बधाई दूंगा कि आपने अन्य अन्य खेलों तो खेलते हुए भी प्राथमिकता के तौर पर हॉकी को चुना है, और निश्चित तौर पर सबसे अच्छे श्रद्धांजलि अगर मेजर ध्यानचंद जी को भी जाती है तो आप लोगों की तरफ से जाती है कि आपने हॉकी को अपने खेल के रूप में चुना है। ऐसे में आपको यही कहना चाहूंगा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि मेजर ध्यानचंद जी को की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनको याद करें, और दूसरा कि जो हमारी नई पीढ़ी है उन तक मेजर ध्यानचंद जी का जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, जो उनकी उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को पहुंचाना और
अब राष्ट्रीय स्तर को छोड़कर कोरियार की बात भी करें तो कोरियार के सामने मैसी की एक बहुत बड़ी चुनौती है बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं और इस मैसेज से छुटकारा सिर्फ एक ही माध्यम हमें दिला सकता है वो है स्पोर्ट। तो आप जितना अच्छा खेलोगे आपके साथी आपका अनुकरण करेंगे आपको सपोर्ट करने के साथ साथ आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे और मैसेज से दूर रहेंगे। तो जितना अच्छा खेल आप खेलोगे जितना सम्मान आप खेल को देंगे उतना ही सम्मान समाज आपको देगा और आप समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनेंगे। आप तो एक बार पुनः दोनों टीमों को बहुत अच्छे खेल के लिए बधाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आयोजन यहाँ पर किया और आप लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आपको साधुवाद धन्यवाद। बेस्ट फॉरवर्ड धैन तनुजा नेगी आप मंच में आएंगे और मैं बड़े भाई नितिन बिस्ती भैया से अनुरोध करूंगा कि आप एक शील्ड भेंट हमारी बहन तनुजा को। बेस्ट फॉरवर्ड बड़े भाई परसान कुदरती जी से अनुरोध करूंगा आप बहन हर्षिता को शील्ड भेंट करें। मैं बड़े भाई राजगौरव जी से निवेदन करूंगा आशा को शील्ड भेंट करें। मैं आदरणीय गुरु जी से निवेदन करता हूं आप बहन पूजा को शील्ड भेंट करें। राजेश भाई है मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप टी शर्ट धैन आरती जल्दी गर्ल क्लैप गर्ल क्लैप करते रहो क्लैप गर्ल क्लैप वंदे विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद शहीद मुकेश जिस भाई अमर रहे शहीद मुकेश जिस भाई अमर रहे भारत माता की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुद्वार द्वारा यहां पर मेजर ध्यानचंद जी की पुण्य स्मृति में बालिकाओं का हॉकी प्रतियोगिता यहां पर की गई थी। कार्यक्रम किया गया जिसमें मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके खेल के योगदान को याद किया गया। यह हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत माता के सपूत मेजर ध्यानचंद जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं और आज भी भारत हो या कोई भी अन्य देश हो जो हॉकी खेलते हों प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जैसा उत्कृष्ट खिलाड़ी बनना चाहता है। मेजर ध्यानचंद जी के कई सारे स्मरण हैं। 1936 में जब ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मैच चल रहा था तो वहाँ उस विशाल स्टेडियम में स्वयं जर्मनी के जो शासक थे तानाशाह हिटलर वो मौजूद थे और उन्होंने जब मेजर ध्यानचंद जी का खेल देखा भारतीय जो हॉकी की टीम थी उसका खेल देखा तो वो बिल्कुल मैसमराइज हो गए। और जब उसके बाद मैच ख़त्म हुआ मैच में एक तरफा भारत की टीम विजयी हुई मेजर ध्यानचंद जी के खेल की बदौलत तो उन्होंने उन्हें बुलाया था और कई तरह के प्रलोभन भी दिए उन्हें डराया भी कि आप जर्मनी की नागरिकता ले लो आपको जर्मनी की सेना में ऊंचे अहदे पर आपको सम्मानित किया जाएगा आपको किसी प्रकार की आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी
ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने हिटलर के प्रलोभन को ठुकराते हुए भारत माता की सेवा को प्राथमिकता दी। आज उन्हीं मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि है, लेकिन एक दुख भी हम सबको इस उनका स्मरण करते हुए होता है कि एक ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी, एक ऐसे नायक जिनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उन्हें आज तक भी भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऐसे जन नायक को भारत रत्न मिलना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें और उनके जो उदाहरण हैं उनसे सीख कर सच्चे देशभक्त के रूप में देश की सेवा कर सकें। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी धन्यवाद दूंगा, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी की पुण्य स्मृति में उनका स्मरण करते हुए जो स्थानीय हॉकी की प्रतिभाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनको यहां पर हॉकी खेलने का मौका दिया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसी तरह से आप छात्रों के बीच में काम करते रहेंगे, राष्ट्रभक्ति की जो लौ है उसको जलाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आज दिनांक 3 दिसंबर 2020 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि है। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा, कोटद्वार इकाई द्वारा, आज हॉकी का एक मैच रखा गया, खेल प्रतियोगिता रखी गई, जो कोटद्वार के मोटरडांग स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रतियोगिता स्थापित की गई। इस प्रतियोगिता के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक संदेश दिया है युवा तरुणाई को कि आप हॉकी के खेल को भी, जो हमारा एक राष्ट्रीय खेल है, जैसा कि हम देखा जाता है कि भारत में कि क्रिकेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वैसी जो हमारा एक राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसको भी आप विश्व प्रसिद्ध बनाएं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मोटिव था, यही हमारा इस उद्देश्य था। तो इसी के तहत हमने यहाँ पे खेल प्रतियोगिता कराई गई। इसी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो रचनात्मक हो, आंदोलनात्मक हो, चाहे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में आगे बढ़ने के लिए, उत्तराखंड ही नहीं, कोटद्वार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश का नाम विश्व प्रसिद्ध करने के लिए, रोशन करने के लिए विद्यार्थी परिषद ऐसे रचनात्मक आंदोलनात्मक कार्यक्रम करवाता रहता है। इसी के तहत आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, मेजर ध्यानचंद जी की पुण्यतिथि को आज हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।